इफ सब बहुत ईजी है, सबको पता है कि शो में क्या करना होता है, किसी को सबको पता है कि भैया अपना लव एंगल बनाने हैं, प्यार मोहब्बत करनी है, लड़ाइयाँ करनी है, ऑल दैट। सो या ऐसा कोई नहीं है इसकी आखिर बंदों पर बेवकूफ़ नहीं है वहाँ पे, जो अभी तक टिका होगा बेवकूफ़ बन के, देर ऑल वेरी स्मार्ट, जो भी उस घर के अंदर जाते हैं और अभी तक टिकते हैं ना फिनाले के इतने दिन पहले तक, बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत समझदार होते हैं और वो बहुत तेज़ बन के गेम खेलते हैं। तीसरा सीजन तो मेरा फेवरेट था, अपने सीजन में वही था बेस्ट मुझे लगता है। सो या एंड इस सीजन तो मैं देख नहीं रहा इस सीजन को, बट ठीक है जो भी अच्छा है। आई लव सलमान भाई, ओनली फॉर हिम मैं कभी कभी कुछ देखता हूँ तो देखता हूँ। तो मैंने पहले बोल दिया एक बार, पता नहीं मेरे को इतना कुछ पता भी नहीं था, मैंने तब भी बोल दिया, उसके ऊपर भी बहुत बातें उठ गई। सो या जो लोग रियल रहेंगे, जो लोग रॉ रहेंगे, वो टॉप थ्री में उनको जनता सपोर्ट करके पहुँचाएगी। एंड बाकी ट्रॉफी जो भी जीते ना भी जीते, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं ना, वो सब मददगार होते हैं। एंड यार मुझे लगता है कि जो लोग दिल से कनेक्टेड हो जाते हैं ना, जो लोग रियल होते हैं, उनको लोग बहुत पसंद करते हैं, हीरो चाहने वाले बहुत पसंद करते हैं। एंड जो भी रियल होगा उनको लोग पसंद करेंगे ही करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। एंड मैंने इतना देखा नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊँगा इतना कि किसकी फ्रेंडशिप कितनी अच्छी है, बट हमारे सीजन में हम तो बिल्कुल दिल से दोस्तियाँ भी निभाई हैं, दुश्मनियाँ भी निभाई हैं। एंड बस आप बात भी बहुत की है, बर्बाद भी बहुत की है। यार मुझे लगता है मैंने दीना था ना बेस्ट, वो मैं दे चुका हूँ। एंड अब उसके आगे दोबारा बिग बॉस के घर में जाना मेरे लिए थोड़ा, मैं वो तो नहीं कर पाऊंगा जो मैंने किया, क्योंकि वो हो गया, वो नेचुरल था, बट आगे अभी मैंने सोचा नहीं था। ऐसे प्रोविजन तो होने ही चाहिए और होते ही हैं, और होंगे भी, जिसके बारे में उसकी वजह से एक हर एक इंसान को, लड़का लड़की कोई भी हो, सबको सेफ फील करना चाहिए। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे घूमने में सबको सेफ फील करना चाहिए, अपनी जुबान को, अपने यू नो शब्दों को बोलने में सेफ फील करना चाहिए। एंड वो होना ही चाहिए, वो होता होगा आई एम श्योर, होना ही चाहिए, बिकॉज ये डेमोक्रेसी है और यहाँ पे हमारे पास राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ऐसे कि हमारे पास सारा हक है हर चीज़ में। तो मुझे ये नहीं पता कि अभी क्या टॉपिक पे आप बात करें, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, बट सबको सेफ फील करना चाहिए, और जहाँ पे कुछ गलत है उसके अगेंस्ट हमारे जो लॉज हैं उनको बहुत स्ट्रिक्टली ऑब्वियसली यू नो करना चाहिए, गलत के अगेंस्ट। सो या